तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे और आपके बर्ड्स भी ठीक होंगे। सुबह सुबह का दोस्तों टाइम है और पिजन्स को हमने जो बाहर खोल दिया, सारे परिंदे आज अपने बाहर ही हैं। मौसम है जो बहुत ही अच्छा हो रखा है। तो दोस्तों ये है, आज बरसात का मौसम है और आपको परिंदे हमारे हैं जो बहुत ही खुश नज़र आ रहे होंगे। सामने आप इन मेल्स की फाइट देख सकते हैं। जो मौसम आज है जो बहुत ही अच्छा हो रखा है, तो इनको उड़ाते हैं। तो आपको सामने नज़र आ रहे होंगे दोस्तों सारे कबूतर अपने जो उड़ गए हैं उधर सामने। और पिजन्स अपने हैं जो इधर उड़ रहे हैं दोस्तों। खुले आसमान के अंदर है जो पिजन्स उड़ते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये सारे के सारे पिजन्स अपने हैं जो इधर उड़ रहे हैं दोस्तों। तो पिजन्स अपने हैं जो वापिस इधर घर की तरफ आ रहे हैं, सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। और सारे पिजन्स है जो आ गए हैं दोस्तों। तो पिजन्स दोस्तों उड़ के नीचे आ गए हैं, सामने की तरफ आपको जो सारे पिजन नज़र आ रहे होंगे। तो पिजन्स को है जो दोस्तों इनकी फीड है जो आज हम ऊपर ही दे देंगे। मौसम है जो बहुत ही अच्छा हो रखा है। तो दोस्तों बच्चों वाली मुर्गी को भी हम जो बाहर लेके आ गए हैं, तो सारे बच्चे हैं जो मुर्गी के साथ में है इधर बाहर की तरफ है घूम रहे हैं। मौसम है जो आज बहुत ही अच्छा है, इस वजह से सारे परिंदे हैं जो उनको हमने सारे परिंदों को बाहर निकाल दिया है ताकि वो घूम फिर ले। इतने दिन है जो गर्मियां थी दोस्तों, इस वजह से सारे परिंदे आपको सेटअप के अंदर ही नज़र आ रहे थे। ठीक है, तो ऐसा मौसम दोस्तों बहुत ही कम देखने को मिलता है। और इस वाली मुर्गी को है जो हम वापस है जो इसके केज के अंदर डाल के आते हैं। बरसात का मौसम है, क्या पता दोस्तों छोटे चूजे हैं जो भीग के बीमार हो जाए, तो इनका है जो ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। सेटअप का गेट दोस्तों खुला है तो ताकि पिजन्स की है जो फीमेल है वो अपने बच्चों को फीड करा दे। तो कुछ परिंदे दोस्तों इधर है जो खेत की तरफ आ गए हैं, आप देख सकते हैं ये है जो इधर खेत के अंदर घूम रहे हैं। कुछ परिंदे है दोस्तों जो सेटअप के अंदर है, कुछ मुर्गियाँ जो अंदर अंडे देने के लिए बैठी है। मौसम आज तो बहुत ही शानदार है। तो बच्चों वाली मुर्गी दोस्तों अपने बच्चों को लेके है जो इधर पहुँच गई है और इनको है जो हम अंदर डाल देते हैं। बरसात का मौसम है, क्या पता दोस्तों बरसात आ जाए और बच्चे हैं जो भीग जाएंगे दोस्तों। तो इनको है जो अंदर लेके चलते हैं, बाकी सारे परिंदों को है दोस्तों जो बाहर ही रखेंगे। तो दोस्तों सामने आपको हमारा जो जर्मन शेफर्ड है वो नज़र आ रहा होगा और ये है जो मुर्गियों के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों पिजन्स है जो अपने सेटअप के ऊपर आके बैठ गए हैं। कुछ पिजन्स है जो उधर ऊपर की तरफ आपको नज़र आ रहे होंगे, तो नीचे हैं दोस्तों इनके बच्चे हैं, तो इस वजह से ये है अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों मौसम आप देख सकते हैं कितना शानदार मौसम है, पिजन्स आपको सामने नज़र आ रहे होंगे, बाकी सारे परिंदे हैं जो बाहर की तरफ खुले हुए हैं और कुछ है जो मुर्गियाँ दोस्तों अंदर है सेटअप के अंदर अंडे देने के लिए बैठी हुई है। कुछ पिजन्स की फीमेल है जो अपने बच्चों के पास में है तो उनको भी है जो बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों आपको दो तीन फीमेल है जो अंदर नज़र आ रही होगी, तो ये फीमेल है जो उधर आप देख सकते हैं आगे है, अंडे देने के लिए बैठी हुई है। तो जैसे ये फीमेलें अंडे देखती है तो इनके हैं जो अंडे हम उठा लेंगे और इन फीमेलों को जो बाहर निकालने के। इनकी हेल्थ आप देख सकते हैं दोस्तों, पिजन्स अपने हैं जो बड़े हो गए हैं तो कुछ दिनों में ये है जो अपने नेटवर्क से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों बाहर है जो ठंडी हवा चल रही है, मौसम है जो बहुत आज शानदार है दोस्तों। तो बजीज आपको है जो सामने बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे, आज सारे बजीज है जो इधर बैठे हुए हैं और कुछ है जो आपको सामने मटकियों के ऊपर नज़र आ रहे होंगे। ब्रीडिंग प्रोग्रेस वाली वीडियो है दोस्तों आपने देख ली होगी, तो हमारी कुछ बजीज ने ब्रीड भी कर रखी है और कुछ है मटकियों के अंदर आपको है जो बच्चे में दिखा देता हूँ। तो फीमेल है जो अपने बच्चों के पास में बैठी हुई है दोस्तों, इधर एक है जो रेड आई फीमेल है, इसने भी है दोस्तों जो बच्चे निकाल रखे हैं। सेटअप है दोस्तों आज आपको खाली खाली नज़र आ रहा होगा, सारे परिंदे हैं जो बाहर ही है दोस्तों। कुछ फीमेलें अंदर हैं जो अंडे देने के लिए बैठी है। इस वाली फीमेल को हमने दोस्तों अंडों पे बिठा रखा है, तो आने वाले कुछ दिनों को अंदर है ये भी है दोस्तों बच्चे निकालेगी। तो दोस्तों रात हो गई है और मुर्गे हैं जो आपको सामने नज़र आ रही है दोस्तों। आज है जो बहुत ही ख़तरनाक मौसम था। तो दोस्तों सुबह जो मौसम है थोड़ा सा सही था, इस वजह से मैंने सारे परिंदों को जो बाहर खोल दिया था और मुझे नहीं पता था कि इतना है जो ख़तरनाक तूफान आएगा। तो वाइट वाला मेल है दोस्तों हमारा पिजन्स का, वो है जो अभी तक हमें नहीं मिला है, रात हो गई है। तो बच्चों वाली मुर्गी को दोस्तों हमने जो पिजन्स वाले केज के अंदर शिफ्ट कर दिया है, बच्चे हैं जो उधर भीग रहे थे तो इस वजह से इसको जो हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया है। तो बजी स्पिरिट सब ठीक है दोस्तों, बरसात की वजह से ज़्यादा कुछ है जो नहीं हुआ है। और केज है दोस्तों उसके अंदर है जो पानी आ गया था, तूफ़ान बहुत ख़तरनाक था,
जिस वजह से आपको है जो केज अंदर से गिला नज़र आ रहा होगा। तो सेटअप के अंदर दोस्तों पानी आ गया था और अंडों पे जो फीमेल बैठी हुई थी वो भीग गई थी। तो बच्चों वाली दोस्तों मुर्गी को हमने कबूतर वाले केज के अंदर शिफ्ट कर दिया ताकि ये और इसके बच्चे सेफ रहे। तो ये वाली फीमेल अगर रात को हमारे सेटअप के ऊपर रहती तो इसके सारे अंडे जो ख़राब हो जाने थे। तो इस वजह से इसको है जो मैं रूम के अंदर लेके आ गया हूँ ताकि ये जो सेफ रही और इसके अंडे भी दोस्तों सेफ रही। मुर्गी को बैठे हुए दोस्तों 2 से 3 दिन हो गए, अंडों के अंदर जो प्रोसेस है चालू हो गया होगा। तो कैंडलिंग अभी जो हमें नहीं करेंगे दोस्तों, कुछ दिन बाद इसकी कैंडलिंग करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कितने अंडों के अंदर है प्रोसेस है। बाकी जो अंडे दोस्तों ख़राब उनको हमें बाहर निकाल देंगे। तो दोस्तों बाहर की तरफ हमें एक ये जंगली कबूतर का बच्चा मिला है दोस्तों। ये बाहर है जो बरसात के अंदर गिरा हुआ था, तो मैंने सोचा अगर रात को ये बाहर रहा तो मर जाएगा दोस्तों। इस वजह से इसको हम जो सेटअप के ऊपर लेके आ गए हैं। इसको है जो दोस्तों दाना पानी डालते हैं, पता नहीं बेचारा कब से भूखा होगा। तो इसको दोस्तों हम सेपरेट केज के अंदर डाल देंगे ताकि मुर्गी है जो इस पर अटैक ना करें और ये दोस्तों सेफ रहे। जैसे ये ठीक होता है तो इसको हम वापस है जो आज़ाद कर देंगे ताकि ये अपनी ज़िंदगी दोस्तों जी सके।